नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स, मतलब कि हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं, इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज को, हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुंचा है। तो इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने वाला है, आज इसमें धमाकेदार हमें तेजी देखने वाली है और इस शेयर में आज जो है धमाका जो है देखने वाला है, जो हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो खड़ी आज हमें देखने वाली। और ये शेयर बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है और जो हमारा टारगेट था 6.30 रुपए का वो भी इसने आज अचीव किया। और दोबारा देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है या इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी क्रूशियल लेवल पर अब ये शेयर पहुंच चुका है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको इसमें अपनी नेक्स्ट मूव क्या लेनी है अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हैं, और आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो क्या अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपको अभी इसमें वेट करना है इन्वेस्ट करने के लिए, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा देखेंगे कि इसके आगे के कौन से टारगेट रह सकते हैं, इसके बाद हमारा कौन सा टारगेट रहेगा। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्या हमें ट्रेड देखने वाली आज जेपी पावर में। तो आप देखें आज इसमें ऑलमोस्ट 50% की तेजी, ऑलमोस्ट देखें तो 9.09% की हमें आज तेजी देखने को मिली है। आप देखें ओपनिंग इसमें हुई थी 5.75 रुपए पर इसमें ओपनिंग हुई थी, और देखिए इसने अपना हाई क्या लगाया था, हाई लगाया था 6.30 रुपए जो हमारा टारगेट भी था। देखिए इसने इस लेवल को, हमारे मतलब जो टारगेट था उसको इसने हिट किया था, मतलब कि हमारा जो टारगेट लेवल था जो हमने आपको प्रोवाइड किया था बहुत अच्छा भी था, काम किया सारे सारे हमारे लेवल अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते में देखें तो ऑलमोस्ट 27.66% हमें रिटर्न देखने वाले हैं, 130 रुपये की हमें तेजी देखने मिली है सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह में। बात करें एक महीने की, तो एक महीने में देखिए ऑलमोस्ट 39.53% रिटर्न देखने मिल रहे हैं, 1.70 रुपये की तेजी सिर्फ और सिर्फ एक महीने में हमें देखने को मिल चुकी है। 6 महीने में ऑलमोस्ट देखें तो काफ़ी कंसोलिडेशन इसमें देखने मिला है, उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं कैसा क्या हमें आज वॉल्यूम एडिशन देखने को मिला है आज के दिन इसमें। तो आप देखिए तो धमाकेदार वॉल्यूम एडिशन हमें देखने मिला है, ऑलमोस्ट देखिए तो 21,27,88,156 शेयरों का इसमें ट्रेड हुआ है, और लगभग देखिए 41.61 शेयरों की आज डिलीवरी भी हमें देखने मिली है, मतलब कि काफ़ी तगड़ा हमें आज वॉल्यूम एडिशन देखने मिला है। और अगर आप देखें तो अभी भी इसमें बाइंग साइड पर ऑर्डर हमें देखने मिल रहे हैं, 5.95 रुपए के प्राइस पर इसमें 76,139 शेयरों का ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा इसका आज देखें तो वॉल्यूम एडिशन हुआ है, मतलब कि बहुत भर भर के आज इसमें बाइंग हुई है, इसी वजह से आपको एक धमाकेदार जो है मूव इसमें देखने मिली है और ये शेयर अप ट्रेंड में आज देखने को मिला है। इस बात का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि ये शेयर देखना आप बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, और आपको मैंने बोला भी था कि आप रखिए इसमें पेशेंस, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो इस कंपनी से जरूर पैसा बना के जाएंगे। और देखिए एक ही दिन में आपने ऑलमोस्ट 10% 9% के आसपास पैसा बना लिया, तो आपके सामने सारे आंकड़े, तो आप इसलिए मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा सबर रखें क्योंकि मार्केट में जो है हर चीज़ सबर से होती है। अगर आप सही शेयर का चुनाव करेंगे, सही समय पर एंट्री लेंगे तो आप जरूर हर शेयर से पैसा ना करेंगे। और मैंने देखिए जितने भी आपको लेवल दिए सब एग्जैक्टली सही काम किए, सही समय पर मैंने आपको एंट्री करी थी और सही समय पर मैंने आपको एग्जिट कराया था, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को फॉलो करें और हम लोगों के थोड़ा सा आप बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो लेवल्स होते हैं। देखिए मैंने आपको जो बाइंग कराई थी, कहाँ कराई थी, वो कराई थी 4.20 रुपए पर, जब इसमें ये गिरावट आई थी मैंने आपको बोला था ये आपका गिर रहा है तो गिरने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिनको भी बाइक करना है उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये शेयर गिर रहा है। जो 4.20 रुपए में मैंने बाइक कराई थी आपको, और उसके बाद देखिए क्या हुआ था, मैंने आपको 4.60 रुपए का टारगेट दिया था, ये हमारा अचीव हुआ था। फिर मैंने आपको बोला था कि आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4.90 रुपए का, देखिए इसने 4.90 रुपए भी हिट किया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन लिया जिस दिन ये शेयर गिरा था, तो काफ़ी तगड़ी गिरावट आई थी, और आपको मैंने बोला था कि ये गिरावट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, आपको डरना नहीं है इस गिरावट से। और अगर आप डरे नहीं होंगे, आपने मेरी बात को फॉलो किया होगा, देखिए यहाँ से देखिए स्टॉक सीधे बढ़ा ऊपर की तरफ, और 6.30 रुपए का हमारा इसने टारगेट हिट किया, पहले 5.45 रुपए का टारगेट था ये हिट किया, 5.75 रुपए भी हिट किया, और अब 6.30 रुपए का हमारा लेवल हिट हो चुका है। तुम्हारे जितने भी टारगेट हैं सारे के सारे अचीव हो चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से हाई बना के गिर गया था तो आपका अभी भी टारगेट रहेगा 6.30 रुपए का, तो आपको फोकस जो करना है वो करना है 6.30 रुपए पर, ये आपका रहेगा टारगेट नंबर वन। और जैसे ही ये लेवल अचीव होगा तब हम जो है आगे के इसके टारगेट की बात करेंगे। वैसे हमारा अगला टारगेट रहेगा 8 रुपए के आसपास का, हमारा अगला टारगेट है कौन सा 8 रुपए का, इसको अचीव होने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आपका 8 रुपए तक भी इसे बहुत जल्द आपको जाता हुआ देखने मिलेगा। तो अभी आपको फोकस करना है कहाँ पर, 6.30 रुपए के लेवल पर, और अगर आपको अभी इसमें फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग आप अभी आराम से कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन अभी भी है। तो आप मतलब अभी आप इसमें चाहते हैं बाई करना तो आप अभी इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं करंट प्राइस पर, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6.30 रुपए का अभी हाल फिलहाल के लिए।
बाकी जब ये लेवल अचीव होगा तब हम इसके शॉर्ट टर्म की टारगेट की बात करेंगे। पहले हमारा फोकस है 6 रुपये 30 पैसे पर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है पहले। तो अगर ये लेवल एक बार टूट जाता है 6 रुपये 30 पैसे का तो अच्छी बात है, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 6 रुपये 30 पैसे का लेवल तोड़ नहीं पाता है तो आपको इसमें फिर से आपको करेक्शन देखने मिलेगा और ये स्टॉक फिर से आपका 4 रुपये 20 पैसे के लेवल के आसपास पर जाता हुआ फिर से देखने मिलेगा। तो इसलिए आप अभी अगर बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लीजिए, इसमें फ्लैश बाइंग कर सकते हैं और आपका टारगेट आएगा 6 रुपये 30 पैसे का। और ऑलरेडी आप इसमें इन्वेस्ट हो तो अभी इसमें होल्ड करें, गलती से भी आपको अब इसमें अपनी सेलिंग नहीं करनी है, आपको डरना नहीं है। अगर गिरावट अगले दिन आती है, मतलब कल के दिन गिरावट भी आ जाती है तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें फिर से आपको तेजी देखने मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, होल्ड करना है अभी, शॉर्ट टर्म वाले भी और लॉन्ग टर्म वाले दोनों लोगों को अभी इसमें होल्ड ही करना है, एक भी शेयर आपको बेचना नहीं है अभी करंट में। तो आपका ये लेवल से आपको टारगेट है 6 रुपये 30 पैसे का, फ्रेश बाइंग करनी है तो अभी आप कर सकते हैं करंट प्राइस पर। और अगर आपने लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में पैसा लगाया तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा आपका डिसीजन है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी, क्योंकि काफ़ी अच्छी है। जेपी ग्रुप की सबसे बेस्ट कंपनी है जेपी पावर, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स का बोले तो अभी कंपनी लॉस में है, लेकिन जेपी पावर एक ऐसी कंपनी है जिसने जो है लगातार ग्रो की है और पॉजिटिव में भी आंकड़े दिखाए हैं अपने। तो इसलिए आपको जो है अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट कंपनी है जेपी ग्रुप की। और इसमें आप पावर सेक्टर की आपको पता भी है, ये कंपनी अपना जो जो अपने जो विंड एनर्जी है इन सेक्टर में कंपनी काम करती है, इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्टर है इस कंपनी में कंपनी का काम है। इसलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पावर सेक्टर के लिहाज से और भविष्य के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी भी साबित हो सकती है। अगर ये कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से कर्ज मुक्त कर लेती है, अपने कर्जे को चुका लेती है, तो ये कंपनी आगे आने वाले समय में मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो आपके ये लेवल्स हैं, आप इसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।